हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कभी कभी ऐसा होता है कि कुर्सी आपके पास ना हो मगर फिर भी समय आपके साथ होता है। ऐसे में कभी कभी आपके लिए अच्छी खबर भी आ सकती है, भले ही वो कुछ समय के लिए क्यों ना हो। नागरिकता संशोधन बिल भले ही ये दिखाता हो कि कुर्सी का रहना राजनीति में कितना जरूरी होता है, मगर कभी कुर्सी ना होने पर भी समय आपका साथ दे सकता है। ऐसी ही दो खबरें बुधवार को आईं, जिन पर कार्रवाई को लेकर सरकार काफी गंभीर थी, मगर सरकार का कोई खास असर इन दोनों मामलों पर दिखाई नहीं दिया। INX मीडिया मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को जमानत दे दी। हालांकि कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। शर्त ये है कि वो ना ही विदेश जाएंगे और ना ही मीडिया के सामने कोई बयान देंगे। आपको बता दें, पी चिदंबरम 107 दिनों के बाद जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें चिदंबरम की याचिका को ये कहकर खारिज कर दिया था कि पी चिदंबरम बाहर आकर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। 16 अगस्त को बड़े सियासी ड्रामे के बाद सीबीआई ने पी चिदंबरम को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, अपराध की गंभीरता को हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से निपटना पड़ता है। आर्थिक अपराध गंभीर अपराध है। न्यायालयों को मामले की प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना होगा। अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखने के लिए दी जाने वाली शर्तों में से एक है निर्धारित सजा। यह ऐसा नियम नहीं है कि हर मामले में जमानत से इनकार किया जाना चाहिए। निष्कर्ष ये है कि किसी अन्य मामले की मिसाल के आधार पर जमानत देने या जमानत से इनकार करने की जरूरत नहीं है। केस टू केस आधार पर विचार होना चाहिए। सब में तो अभियुक्त को पूरी तरह से निर्दोष पाया गया था, पहले भी और इस बार भी। जहां तक ग्रेविटी का सवाल है, सब कुछ मद्देनजर रखा गया है। साथ साथ ये भी मद्देनजर रखा गया है कि 7 वर्ष की मैक्सिमम इसमें दंड हो सकता है। तो ग्रेविटी को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। और उसके बाद ये दिया गया है, मैं समझता हूं कि न्याय हुआ है, अच्छे से न्याय हुआ है, संतुलित न्याय हुआ है और हम इसका स्वागत करते हैं। फिलहाल कांग्रेस का कहना है कि देर है अंधेर नहीं, मगर पार्टी को अब भी इस बात का एतराज है कि ये पहले ही हो जाना चाहिए था, खामखा इस पर इतनी देरी की गई। द सुप्रीम कोर्ट हैज राइटली कमेंटेड अपॉन 4 or 5 पैराग्राफ्स ऑफ द हाई कोर्ट जजमेंट व्हिच इवन दो दे इंटेंड नॉट टू बी फाइंडिंग्स आर वर्डेड और फ्रेज्ड एज इफ दे आर फाइंडिंग्स एंड दे हैव डिसअप्रूव्ड ऑफ इट राइटली बिकॉज इन बेल ज्यूरिसप्रूडेंस एज यू नो नन ऑफ अस कैन गिव फाइंडिंग्स because the accused still has to stand trial. So I think it's excellent light at the end of a somewhat long tunnel and we therefore heartily welcome it. अब महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाते बनाते रह गई, तो वहाँ उसकी ही चलेगी जिसने सरकार बनाई है। जी हाँ, पहले आरे में पेड़ कटाई का मामला, फिर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और अब भीमा कोरेगांव हिंसा मामला। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की तिकड़ी धीरे धीरे एक एक कदम केंद्र सरकार के विरोध में उठा रही है। जी हाँ, 2018 का बहुत चर्चित भीमा कोरेगांव मामला अब शायद थम जाए और इसे लेकर गिरफ्तार किए गए बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों को जल्द रिहा किया जाएगा। दरअसल हाल ही में एनसीपी और शिवसेना के नेताओं की एक बैठक हुई जिसमें सरकार के सामने भीमा कोरेगांव मामले को खत्म करके इसमें गिरफ्तार लोगों को बाहर करने का प्रस्ताव रखा गया है। पी चिदंबरम का मामले की गंभीरता भीमा कोरेगांव मामले से ज्यादा नहीं है। भीमा कोरेगांव का दलित समुदाय पेशवा की सेना पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत का जश्न मनाता है। 1818 में हुई इस लड़ाई को साल 2018 में 200 साल पूरे हो गए थे। इसे लेकर एक जुलूस निकाला गया था जिसमें बाद में हिंसा हो गई और इस हिंसा में एक आदमी भी मारा गया था। 28 अगस्त 2019 को पुणे पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों, कवि वरवरा राव, अधिवक्ता सुधा भारद्वाज, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण फरेरा, गौतम नवलखा और वर्णन गोंजाल्विस को गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में सरकार खत्म करने का बड़ा ऐलान कर सकती है। पी
चिदंबरम को वैसे तो फिलहाल कोर्ट ने मीडिया के सामने जाने से मना किया है, मगर जल्दी ही सदन में पी चिदंबरम इस पर कुछ बयान तो देंगे। यही नहीं, भीमा कोरेगांव मामले में पुणे पुलिस अब तक कोई ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाई है जिससे देशद्रोह का कोई संबंध निकल कर आए, मगर फिर भी दोनों मामलों में आरोपी जेल में ही बंद रहे। चिदंबरम की जमानत याचिका सुनवाई कोर्ट में हो गई, मगर भीमा कोरेगांव मामले में तो कोर्ट के कई जजों ने सुनवाई से भी इनकार कर दिया था। अब इन दो मामलों में राहत पाने वाले केंद्र की नाक में कैसे दम करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।